Awzubillahi minashwaitanir rajim. Bismillahir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi Class 10th, I am your teacher Mir Khursheed. Today's our chapter is new in political science that is democracy outcomes. And the first topic of this chapter is how do we access democracy outcomes? As we know, what is the democracy? The democracy is a government by the people, of the people, and for the people. As I have already told you, people, that in democracy setup, government, people make their representatives to redress and address their day to day issues so what is the democracy outcomes how do we assess how do we assess democracy outcomes democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative when we are going to compare democracy with other systems other types of the governments like dictatorship or other any uh, type of government डेमोक्रेसी इज़ बैटर फॉर द पीपल इन विच पीपल मेक दियर रिप्रजेंटेटिव टू साल्व दियर डे टू डे लाइफ इशूज इट वॉज सेट दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर बिकॉज इट डेमोक्रेसी इज बैटर क्योंकि प्रमोट इक्वल्टी इमंग सिटीजनज ये लोगों में मसावत पैदा करती है लोगों में बराबरी पैदा करती है डेमोक्रेसी जो है जमोरीत जो है ये लोगों में बराबरीत पैदा करती है लोगों को हर एक सेपयियर में हर एक सिस्टम में यकसान रखती है इनहानस द डिग्निटी ऑफ इंडिजअल एक इंसान की एक इंडिजल की एक शख्स की जो डिग्निटी है शख्सियत है जो इसका इज़्ज़त है इसके मसाइल मामले हैं इनको बढ़ावा है, देती है इज्जत देती है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो फैसले लेने वाले लोग होते हैं इसमें जो क्वालिटी होती है इसको ये इम्प्रूव करती है जो फैसले देने वाले लोग हैं डिसीजन मेकर लाइक लेजिसलेचर जो में लोग बैठे हुए होते हैं खासकर हमारे रिप्रजेंटेटिवज़ नुमाइंदे जो हमारे होते हैं वहाँ पर तो बेटा ये इसमें इम्प्रूव करती है अगर आज हमने जो फैसला लिया है थोड़ा सा उस तरह का था नहीं था कल का जो हम फैसला लेंगे इसे क्वालिटेटिव होगा अच्छा होगा नेक्स्ट इसका प्रोवाइड मेथड टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट एंड ये जो मसले होते हैं समाज में तनाव जो होते हैं कन्फ्लिक्ट होते हैं लड़ाइया होती हैं ये ऐसी चीजों को कर निकालते हैं ये तनाव मसाइल ये खत्म हो जाते हैं एंड अलाउज ए रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स ये एक मौका देती है हर एक चीज को सही करने के लिए हर एक चीज जो हमारी समाज में बुराया होती है इनको ठीक करने में ये एक मौका देती है इनको ठीक करने के लिए और हंड्रेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टूडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे दुनिया में तकरीबन सौ से ज्यादा ऐसे हैं जिनमें ये सरकार चलाई जा रही है डेमोक्रेटिक सरकार डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चलाई जा रही है दे हैव फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने एक आईन बनाया है होल्ड uh, कर रहे हैं चुनाव कर रहे हैं इनको जमाते होती है और एक तहफ़ होता है गारंटी एक होती है एक मतलब जिम्मेदारी होती है कि वो राइट जो होते हैं लोगों के वो इनको बचा कर रखते हैं वायल दीज डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम जो भी ये ममालिक हैं सौ ममालिक इनमें जो जमुरी तरीक़े जो मख्तलिफ चीजें हैं ये अक्सर अगर एक जैसे दूसरे से मिलते हैं दीज डेमोक्रेसी आर वेरी मच डिफरेंट फ्राम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ दियर सोशल सिचुएशन दियर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड दियर कल्चर लेकिन किसी किसी जगह पर ये मुख्तलिफ है मसलन अगर हम किसी के सोशल समाजी सिचुएशन को देखेंगे समाजी मामला को देखेंगे इकतसादी खासियत को देखेंगे या उनके जो कल्चर्स हैं तहजीब मसलन मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है हिंदुस्तानी में डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ की सोशल सिचुएशन जो है वहाँ समाजी जो सिस्टम है वो हमसे नहीं मिलती है हमारा उनसे नहीं मिलता है अगर वहाँ पर देखेंगे वहाँ लोग ज़्यादा अमीर है हिंदुस्तान में ज़्यादा अमीर नहीं है तो वहाँ पर इकोनॉमिक अचीवमेंट ज़्यादा है तो बेटा इसी तरह अगर हम कल्चर देखेंगे हिंदुस्तान में उस तरह के कपड़े नहीं या उस तरह की शादियाँ उस तरह के मामलात नहीं होते हैं जिस तरह अमेरिका में अगर हम देखेंगे वहाँ पर अमेरिका के लोग मतलब अगर हम देखेंगे वो कपड़े जो लगाते हैं तो उनके कपड़े लगाने जो उनका तहजीब है वो हमारे हिंदुस्तान से नहीं मिलता है ठीक है तो इस तरह से ये हो गए कल्चर्स क्या हो गए कल्चर्स दैट इज ऑल टूडे इज माई टॉपिक हैव डे थैंक यू